everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. You guys read the title, you guys know what it is, and I know you guys have been waiting for it. It is part 2 of our Sarojini Nagar winter shopping exploration. So if you haven't watched part 1, I would highly urge you guys to check it out. Definitely jo part 1 ka link hai wo main aapko niche description box mein de dungi. I will also link it at the end of the video, so you must check it out. But today we're gonna do a try on haul, and this video is mainly going to be a clothing haul. Main bahut zyada Sarojini Nagar jaati hu, I live very close to it and I shop a lot from there, but I really wanted to focus on clothing, especially winter clothing. And jin jin logon ne mera ABP news ke sath podcast dekha hai, they know that I'm also going to an offline vacation to Goa, so maine uske liye bhi thodi bahut summer shopping ki hai. So in case you want to shop for summer, winter ya koi bhi weather ho, I got you covered. And without any further ado, let's get started. ओके जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अपरवेयर फर्स्ट. मैं सबसे पहले आपको स्वेटर्स, जंपर्स, कार्डिगन्स, कोट सब कुछ दिखा देना चाहती हूँ. आई थिंक अभी दिल्ली में विंटर आ रहा है, सो सबसे पहले उसी से शुरुआत करनी चाहिए. नाउ द फर्स्ट आइटम दैट आई एम गोना शो यू गाइस इज समथिंग जिसके पीछे यू गाइस वेंट मैड, एंड बाई यू गाइस आई मीन इंस्टाग्राम फैम एंड स्पेशली ब्रॉडकास्ट फैम, बिकॉज आई वोर इट टू माई एबीपी का इंटरव्यू. सो आई वॉज इन्वाइटेड बाई एबीपी लाइव उनके पॉडकास्ट के लिए, उनके यूट्यूब चैनल पे मेरी जर्नी कवर करने के लिए, एंड दैट इज वेन आई वोर दिस. इट इज नॉट मेंट टू बी वॉर्न इन द समर टाइम क्योंकि ये थोड़ा मोटा मटीरियल है, बट लुक एट दैट, इतना प्यारा इसमें चेकर्ड सा प्रिंट है पास से देखो तो. एंड इट हैज दिस क्रीम एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन विच इज सो क्लासी. आई रियली लाइक इट बिकॉज इसमें ना ऐसे थोड़ा पीटर पैन, सेमी पीटर पैन टाइप का कॉलर है. एंड मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगी वो थे ये बटन्स. लाइक दीज आर नॉट रेगुलर बटन्स, दीज आर कूल बटन्स. इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स लगे हुए हैं, एंड ऐसे धागा सा है जिसमें आपको ये बटन ऐसे ना घुसाना होता है, एंड दिस जस्ट लुक सो प्रिटी. आई लव द फैक्ट दैट इसके अंदर ना साइड में कमर के यहाँ पे हल्के हल्के कट से दिए गए हैं एज यू गाइस कैन सी, तो उससे मेरी एक बहुत ही ज्यादा आर ग्लास फिगर आती है. एंड आई वोर इट विद माय हाई वेस्टेड वेलवेट क्यूलॉट्स फ्रॉम ज़ारा. इतना प्यारा आउटफिट लग रहा था. नाउ इन केस आपको शॉप नंबर चाहिए, वो आपको मेरी पहली वीडियो में मिल जाएंगे. पार्ट 1 में मैंने ये जरूर फीचर किया था. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई गेट वो मैं फीचर कर देती हूँ, सो दैट यू कैन सी कि क्या लोकेशन थी, कहां से मैंने लिया था. बट मैं एवरीथिंग शॉप करती हूँ थड़ी से, सो मेरे अभी राइट नाउ स्टाइल के साथ ये बिल्कुल मैच करता है ओनली फॉर 150 रुपीज. देन कमिंग टू वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, एंड आई एम वेयरिंग दिस राइट नाउ. मैंने आपको पार्ट 1 में भी दिखाया था, दिस इज फॉर 100 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इतना अच्छा लगा इसको पहन के, आई फील सो गुड एंड आई लव द कलर. मेरे को सबसे पहले उस कलर ने अट्रैक्ट किया था, तभी मैंने वो थड़ी से निकाला था 100 रुपए का, एंड इट जस्ट फिट्स मी लाइक अ ग्लव. घर आके जब मैं पहनती हूँ सरोजनी के कपड़े, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है व्हेन दे फिट मी रियली रियली वेल. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ विंटर बार्बी दिस सीजन. लाइक ये फुल एकदम लेंथ का नहीं है जो आपके क्रॉच एरिया को कवर करे, बट ये मेरी टमी तक आता है, एंड इसमें बहुत जगह ना वो स्टिचिंग टाइप का इफेक्ट दिया हुआ है. लाइक यू कैन सी द स्लीव्स, यहाँ पे ऐसे टाइप का रिब्ड इफेक्ट है, नीचे भी वो रिब डिफेक्ट है, एंड आई रियली लाइक द नेक. लाइक मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, एंड आई ऑल्सो ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ कोल्ड प्लेसेस. मुझे माउंटेन्स वगैरह पसंद है, तो अगर आप ये जिपर ऊपर कर लोगे ना, ये पूरा फुल ऑन हाईनेक बन जाता है. सो आई एम जस्ट रियली लाइकिंग दिस इफेक्ट, द कलर, द वूल क्वालिटी, एवरीथिंग इज सो सॉफ्ट एंड अमेजिंग ओनली फॉर 100 रुपीज. लेट्स स्टार्ट विद सम कोट्स नाउ, एंड आई नो इनमें से एक आप लोग देख चुके हो और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर चुके हो, एंड थैंक यू फॉर दैट. मेरी इंस्टाग्राम फैम मुझे इतना ज्यादा हाइप अप करती है जब भी मैं सरोजनी के कपड़े कहीं पहन के जाती हूँ इंपॉर्टेंट ओकेजन में. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माई चीप थ्रिल्स. लाइक 100 रुपीज की चीज में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड ऐसी बूजी सी प्लेस में पहन के जाऊँ ना, मेरे अंदर की बच्ची खुश हो जाती है. तो इस बार के पार्ट 1 की शुरुआत में आपने देखा होगा, आई फाउंड दिस शॉप बिल्कुल शुरू में ही. दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट शॉप दैट आई शोड यू गाइज, आई थिंक इट वॉज शॉप नंबर 104. वहां पे 200 रुपए के बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंच कोट्स मिल रहे थे और बहुत प्यारे ब्लेजर्स मिल रहे थे. मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि ये थोड़ा मोटा फैब्रिक होगा. नो, इट इज अ लिटिल लाइक ऑटम अप्रोप्रिएट फॉल वेदर में जब यू डोंट रियली नो वॉट टू वेयर, तो आप ये पहन सकते हो, बिकॉज इसका ना थोड़ा डेनिम टाइप का फैब्रिक है, एंड आई लव वेयरिंग डेनिम फॉर फॉल. सो दिस इज अ रेड कलर्ड डेनिम. लाइक लुक एट दिस अप क्लोज एंड पर्सनल. ये बहुत ही प्यारा मटेरियल है इसका. टाइगर 3 की स्क्रीनिंग मुझे टर्की टूरिज्म ने इन्वाइट किया था. आई ऑल्सो वेंट फॉर माई होल यूनिक्लो के साथ जो कोलेबोरेशन था, उनका स्टोर विजिट मुझे करना था. एक बहुत प्यारी इसकी फिटिंग है. इसके यहाँ स्लीव में भी प्यारे प्यारे ऐसे बक्ल से दिए हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा टाइट भी कर सकते हो. सेम विद दिस वन, यहाँ पे जो पॉकेट्स वगैरह दी हुई है, दीज शाइनी सिल्वर बटन्स आर सो नाइस. ऐसे मेटालिक सी फील आ रही है मुझे इसमें, थोड़ा रॉक स्टार वाइब आई. एंड ऑल्सो ये जो बेल्ट है बहुत प्यारी है, इसमें सेम तरह का बकल दिया गया है. सो 104 शॉप नंबर की थड़ी थी आगे, एंड उससे मैंने 200 रुपए का लिया है. आई कुडंट बी मोर हैप्पी अबाउट इट. इवन इसकी जो लेंथ है वो बहुत परफेक्टली मेरे को फिट होती है. आई रियलाइज कि मैं थड़ियों से ना हमेशा बहुत ज्यादा शॉप करती हूँ, तो इस स्पेसिफिक हॉल एंड एक्सप्लोरिंग वाले वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ी शॉप्स के अंदर भी घुसू एंड वहां से भी थोड़े रेट्स वगैरह आप लोगों के लिए पता करके लाऊं. सो आई गॉट अनदर कोट इन सॉर्ट ऑफ लाइक रेडिश टोन्स, बट ये थोड़ा वार्म, थोड़ा नहीं बहुत वार्म है, बहुत
बहुत मोटा मटेरियल है एंड इसमें थोड़ा ब्राउनी रेडिश सा इफेक्ट आता है. पास से देखोगे ना तो आपको और ऐसे रेड रेड के इसके एलिमेंट्स दिखेंगे. दिस इज सो वार्म बट दिस इज एट द सेम टाइम सुपर डुपर सॉफ्ट. ये वाला मैंने एक स्पेसिफिक शॉप से लिया है जहां अंदर घुस के काफी सारी चीजें ऊपर टंगी होती है एंड यू हैव टू आस्क द भैया कि वो वाला निकालो. नीचे वो अपना डंडा लाते हैं एंड एवरीथिंग. सो ये वाला उन्होंने ओरिजिनली मुझे आई थिंक 450 या 500 का कोट किया था. वी डिड ट्राई टू बार्गेन अ लिटिल बिट. आई एम अ लिटिल हेजिटेंट राइट नाउ बिकॉज मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता बार्गेन करना. उन लोगों को भी कमाना है एंड आई वुडंट एडवाइस कि आप बिल्कुल ऐसे बार्गेन करो कि भैया प्रॉफिट ही ना कर पाए. एवरीवन नीड्स टू अर्न. बट आई ट्राइड एंड हमने ये 450 से 350 में बार्गेन कर लिया एंड दैट इज व्हाई आई गॉट दिस फॉर 350. कंसिडरिंग कि ये जो पतला वाला है मैंने 200 का लिया है सो 350 में ये वाला जो मोटा है जो मेरे को हार्ड कोर विंटर्स में काम आएगा आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट प्राइस. का जो पूरा नेक का सिल्वेट है एट द सेम टाइम ये जो पॉकेट्स यहाँ पे टेढ़ी सी अंदर ही सोन हुई पड़ी है ये बहुत ज्यादा सुंदर है. आई विल शो इन द ट्राय ऑन हॉल. इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड 350 रुपीज में आई फील लाइक आई एम सो लकी आई गॉट दिस काइंड ऑफ ट्रेंच कोट्स. आई एम इन लव विद वेस्ट एंड कार्डिगन्स दिस सीजन एंड ये वाला आपको स्क्रीनशॉट मेरी वीडियो का दिखेगा. इस वाले 100 रुपीज की थड़ी से मैंने ये वाला कार्डिगन लिया है विच आई हैव राइट हियर. दिस ऑल्सो हैड सच अ सॉफ्ट फील टू इट. लाइक अंदर से एंड बाहर से मैंने पूरा टच करके देखा था वो कुछ मखमली से जारा के एकदम सॉफ्टेस्ट वाले मटेरियल होते हैं ना वूल के, ये वो वाला मटेरियल है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. व्हाट ब्रांड इज दिस? दिस ब्रांड इज कॉल्ड नो. आई डोंट नो कि ये कौन सा ब्रांड है बट दिस इज सो नाइस. इसमें थोड़ा वेस्ट टाइप का अपील है बट इट इज एक्चुअली अ वेस्ट कम कार्डिगन एंड ऐसे टाइप के प्रिंट वाले जो स्वेटर्स है मेरी दादी माँ पहना करती थी एक्चुअली साड़ी के ऊपर. बट आई रियली लाइक ऐसे टाइप के प्रिंट्स एंड आई फील लाइक आई कैन ट्राई टू स्विच थिंग्स अप एंड थोड़ा सा मैं इसको Y2K टाइप के फैशन का बना सकती हूँ. लेट मी सी वॉट आई कैन डू. लाइक अगर मैंने इसको किसी दिन स्टाइल किया You guys must follow me on Instagram. वहाँ पे मैं अपनी सारी लुक्स पोस्ट करती रहती हूँ. इट इज स्लीवलेस लेकिन तभी ये हाईनेक्स वगैरह के ऊपर लेयरिंग के लिए परफेक्ट रहेगा. दिस सॉफ्ट मटेरियल इज ओनली फॉर 100 रुपीज. आई एम रियली रियली हैप्पी एंड सारे क्लोज में आके धुलवा लेती हूँ अच्छे से लाइक एक दो बार एंड दैट इज वाई आई गेट टू नो कि अच्छा धुलने के बाद भी ना इसमें कोई ऐसे बूर नहीं है, कोई फ्रेड थ्रेड्स नहीं है एंड इसकी क्वालिटी खराब नहीं हुई. सो आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस. अनदर अमेजिंग अमेजिंग फाइंड फ्रॉम द सेम थड़ी जिससे मैंने ये वाला ग्रैंड माइश सॉर्ट ऑफ कार्डिगन लिया है इज अ फुल कार्डिगन. This is not a vest. This is a full cardigan in I don't know. This is charcoal grey. ये proper black नहीं है, थोड़ा greyish में जाता है. But मुझे ऐसे type का जो कोयला वाला color होता है ना charcoal बहुत ज़्यादा पसंद है. And मुझे और ज़्यादा पसंद है because this is from Uniqlo. Yes, I found Uniqlo का cardigan from that 3400 rupees. This is size medium, made in Vietnam, and I am really really excited. If you guys have not watched the last video, मैंने ऐसे ही type का कोई cardigan green color का पहना था for that Christmas look जो last look थी एंड ऐसे ही टाइप का मुझे यहां मिल गया. सो आई वेंट टू सरोजनी पहले एंड यूनिक्लो बाद में. सो दैट इज व्हाई आई वाज रियली रियली हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छा अगेन बहुत सॉफ्टेस्ट. आई फील लाइक दिस इज देयर सूफले वाला कार्डिगन सॉर्ट ऑफ. तो ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इतना ज्यादा लाइट वेट है. लाइक यूनिक्लो की जो क्वालिटी होती है वो काफी लाइट वेट होती है एंड धुलने के बाद दे लास्ट फॉर इयर्स. टू स्टाइल दिस इज अ पीस ऑफ केक. इफ यू आर वेयरिंग अ स्कर्ट, अ ड्रेस, नॉर्मल जीन्स एंड हाई नेक सबके ऊपर यू कैन थ्रो दिस ऑन एंड योर लुक विल बी कंप्लीटेड. अगेन बोथ ऑफ दीज कार्डिगन्स फॉर 100 रुपीज ईच इज सच अ स्टील. उसी सेम शॉप से माई मॉम गॉट अ स्वेटर वेस्ट फॉर हर सेल्फ. उनको ब्रह्मा कुमारी में पहनने के लिए एक लाइट कलर चाहिए था सो दिस इज वॉट शी गॉट. इसका भी अगेन मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. यू गैस कैन सी दिस इज सच अ नाइस फैब्रिक एंड यहाँ पे ऐसे आपको रिब्ड टाइप के कॉलर्स मिलेंगे. आई ऑल्सो लव द फैक्ट दैट यहाँ मेरी मम्मी का जो कार्डिगन है उन दोनों में दोनों साइड ऐसे पॉकेट्स है विच इज ग्रेट. इसके बटन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. इसमें तो थोड़ा सा ऐसे मार्बल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट भी दिया हुआ है विच इज सो नाइस एंड लक्स. दिस वॉज अगेन फॉर 100 रुपीज. ओके सो घर में ना मैं ज्यादातर जब भी कुछ लेयरिंग वगैरह करती हूँ घर में तो मेरी बहुत ज्यादा शैबी ड्रेसिंग होती है ड्यूरिंग विंटर्स. आई डोंट केयर अबाउट फैशन बट आई रियली लाइक वेयरिंग जो थोड़े वार्म और मोटे वुलन फैब्रिक के श्रग्स होते हैं. सो ओनली 90 रुपीज वाली थड़ी में मुझे ये वाला श्रग मिला एंड आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट. जस्ट लुक एट इट. ये बहुत सुंदर निट टाइप का श्रग है. इसकी स्लीव में भी वो स्टिचिंग टाइप का इफेक्ट है एंड इसमें जो चेक वगैरह है ना इसमें अलग अलग डिजाइन से दिए गए हैं. इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड द सेप्टेंबर इशू मेड इन कोरिया. सो कोरियन ब्रांड है ये एंड दिस इज सुपर डुपर वार्म एंड इट इज एक्चुअली रियली heavy. It is not light. काफी ज्यादा भारी भरकम है एंड दिस doesn't have to be a fashionable पीस. मुझे घर में पहनने के लिए एक बहुत वार्म ऐसे ब्लैंकेट टाइप की चीज चाहिए थी एंड आई फील लाइक ये बिल्कुल उसको फुलफिल करता है एंड द फैक्ट दैट दिस इज फॉर 90 रुपीज इज ग्रेट. ऑल्सो इट हैज पॉकेट सो मुझे बहुत पसंद है घर में ऐसे जस्ट पॉकेट्स में वार्म अपने कंबल के अंदर घुसे रहना. वी आर मूविंग ऑन टू स्कार्व्स, मफलर्स एंड शॉल्स नाउ. आई हैव 3 आइटम्स टू शो यू गाइज एंड उनमें से एक मेरी मॉम का है. सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज द फर्स्ट थिंग जो मेरी मॉम ने लिया है बिकॉज दिस इज क्वाइट सिंपल. अगेन माई मॉम
वॉन्टेड समथिंग फॉर ब्रह्मा कुमारीज. तो ये बहुत प्यारा वुलन सा स्कार्व या स्टोल टाइप का था एंड इट इज जस्ट बेसिक ग्रे कलर. बट द फैक्ट दैट दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड, आई थिंक ये हमने कुछ ब्रांडेड, हाँ ये है H&M का. एज यू गैस कैन सी इसमें H&M का ओरिजिनल वाला टैग लगा हुआ है. बट माई मॉम इज रियली हैप्पी विद इट. ये कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है. तो ये जो स्टोल का स्टॉल दिख रहा है ना 150 रुपीज का, वहां से हमने ये लिया था एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बाय. ना मम्मी ने मफलर लिया है तो मेरा भी लेना बनता है, बट आई वॉट समथिंग रियली हैवी एंड मैंने ये भी शुरू में दिखाया था पार्ट वन में. दिस इज फॉर 150 रुपीज एंड दिस इज अ वेरी हैवी मफलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो बहुत ही प्यारे पेस्टल पिंक कलर में है. आई मीन दिस गोज विद दिस ऑल्सो, लाइक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये. बट वाई आई बॉट इट इज बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है. मुझे ना अपने स्टोल्स ऐसे पतले से लंबे से नहीं पसंद, आई वॉन्ट देम टू बी लाइक शॉल्स. तो मुझे शॉल टाइप का इफेक्ट बहुत पसंद है. ऑल्सो आई रियली लाइक दिस फ्रेड डिटेल्स एंड द फैक्ट दैट दिस इज सो फैंसी. नीचे जाते जाते इसके पूरे ट्रायंगल में बहुत प्यारे प्यारे पर्ल्स लगे हुए हैं एंड यू गाइज नो कि मैं हर चीज़ धुलवाती हूँ. इसको मैंने आके धुलवा लिया है, मशीन वॉश ही किया था एंड यू गाइज कैन सी इट स्टिल इंटैक्ट है. एक भी इसमें से पर्ल नहीं निकला है. पर्ल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, धुलने के बाद भी इनकी ये फिनिश नहीं गई है. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी विद दिस परचेज फॉर 150 रुपीज. बहुत ही ज्यादा प्यारा स्टोल है. इसको मैं पहन के कहीं भी ऐसे पहाड़ों में घूम सकती हूँ एंड दिस इज सो स्टाइलिश विद ऑल दीज पर्ल्स राइट हियर. लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज नॉट एग्जैक्टली अ शॉल बट इट इज काइंड ऑफ लाइक अ कवर अप जिसको आप ऐसे श्रक की तरह भी पहन सकते हो. एंड पार्ट वन में मैंने इसकी लोकेशन दिखाई थी. इंक बाय अबरोल सन्स करके एक बहुत बड़ी शॉप है, उसके सामने ना बहुत बड़ी एक गुफा सी होती है, तो उन्हीं में आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन अगेन बहुत विंटर अप्रोप्रिएट लग रहा था. आई मीन आई लव ऐसे रस्टिक कलर्स एंड वाइन्स एंड इन सारे कलर्स जो वार्म टोन्स होती है ना उनको ब्लू के साथ जब आप पेयर करते हो इंस्टेड ऑफ ब्लैक दे लुक मोर अपीलिंग, लाइक बहुत एक अलग टाइप का स्टाइल लगता है. तो एज यू गाइज कैन सी कि यहाँ पे ना एक कट सा दिया गया हुआ है गले के लिए. सो आप इसको ऐसे डाल सकते हो एंड देन आपकी स्लीव्स यहाँ से निकलेगी. इट विल बी काइंड ऑफ लाइक अ स्वेटर ड्रेस एंड यहाँ पे आप बेल्ट बांध लो. सो ये बहुत ज्यादा प्यारा एक इफेक्ट देता है एंड यू कैन जस्ट रोम अराउंड ऐसे हाई नेक पहन के और उसके ऊपर ऐसे स्टाइल करके. दिस इज सो नाइस, एकदम ऐसे झंडा टाइप का लग रहा है मुझे, बट ये बहुत प्यारा है. द क्वालिटी इज ऑल्सो रियली रियली गुड एंड इसका प्राइस आई थिंक भैया 300 रुपीज बोल रहे थे. वी ट्राई टू बार्गेन के भैया 200 में दे दो एंड सरप्राइजिंगली वो मान गए. बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो हमको करना नहीं पड़ा. ओके, मूविंग ऑन टू सम मिसलेनियस आइटम्स बिकॉज आई डोंट नो किस कैटेगरी में इनको डालू, बट ये है विंटर के लिए ही. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई शोड यू गाइज वॉज अ स्टॉल 30 अगेन, जहां पे बहुत प्यारी प्यारी वुलन स्कर्ट्स मिल रही थी एंड प्लीटेड स्कर्ट्स मिल रही थी. आई कैनॉट बिलीव कि जितनी भी स्कर्ट्स थी ना ये सारी 200-200 रुपए की थी उस 30 पे. एंड वन थिंग दैट आई पिक्ड अप वॉज दिस वेरी प्रिटी प्रिंटेड प्लस प्लीटेड स्कर्ट जो बहुत प्यारे वुलन मटेरियल में. इवन इसका ये जो वेस्ट बैंड है बहुत प्यारा है. इसके अंदर आपको हल्की हल्की रिब्ड लाइंस दिखेंगी एंड इट इज टोटली नॉट चीप लुकिंग. लाइक कभी कभी जो वेस्ट बैंड्स होते हैं ना दे गिव इट अवे, ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी फ्ली मार्केट से लाए हो, बट दिस इज सच अ क्यूट क्वालिटी एंड ये मेरी कमर पे बहुत अच्छी तरह फिट होता है. इसकी लेंथ भी अमेजिंग है. बट रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट अंदर ऐसे टाइप की लाइनिंग दी हुई है. इट इज अ लिटिल सिंथेटिक बट सर्दियों के टाइम पे आई डोंट माइंड इट. गर्मियों में यही फैब्रिक चुभने लगते हैं. अगर आप सरोजनी नगर जाओ एंड अगर आपको अपना विंटर फैशन थोड़ा सा एम्प अप करना है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो ना, डू गेट वन ऑफ दीज वुलन स्कर्ट्स. यू वोंट रिग्रेट इट फॉर 200 रुपीज. द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज फॉर 100 बक्स ओनली. दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड जाजू. ये ना काफी कोरियन टाइप के और जापानीज टाइप के स्टाइल अब आने लगे हैं. मैंने पार्ट वन में भी आपको एक्चुअली बताया था कि एक स्टॉल था जहां पे ऐसे टाइप की वुलन कट स्लीव सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस मिल रही थी फॉर लेयरिंग पर्पसेस. लाइक अगर आप एक ब्लैक हाई नेक पहनो इसके ऊपर आप ये डाल सकते हो, देन अगर आपको इसको ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ सकते हो, स्टाइल इट विद अ बेल्ट और अ ट्रेंच कोट. सो आई वॉज रियली सिक कि मैं बहुत सारे ना ब्राउन टोन ले रही थी, सो आई वॉन्टेड समथिंग इन ग्रे. सो आई गॉट दिस वन. इसके अंदर बहुत मिनिमल सा आपको ऐसे प्रिंट दिखेगा, बट आई लाइक द फैक्ट दैट इसके अंदर दोनों साइड में बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं एंड इसका ये जो सिल्वेट है ना ऐसे वी नेक वाला, आई फील लाइक मुझे पर्सनली वी नेक बहुत ज्यादा सूट करता है. सो दैट इज व्हाई आई गॉट इट. आई टोल्ड यू गाइस दैट आई वांटेड टू शॉप फ्रॉम शॉप्स इंस्टेड ऑफ थर्डीज एंड तभी मेरे को सबसे बड़ा फटका लग गया. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन सरोजनी नगर मैं इतनी महंगी चीज लाई हूं, वो भी क्लोथिंग में. सो आई गॉट दिस जीन्स फॉर 800 रुपीज फ्रॉम अ शॉप अंदर से एंड ये मैंने ऊपर टंगी हुई देखी थी. आई रियली लाइक दीज ऐसी मेल्टिंग स्माइलीज. ये पूरा टैग ऐसे चिपकाया हुआ है. इसके साथ ये जो टैग्स आते हैं उसमें भी LV के लोगोज वगैरह लगे हुए हैं एंड आई डोंट नो कि ये लुई विटों की कोई स्माइली कलेक्शन है या नहीं है. आई थिंक इट इज फेक. एंड नीचे जाते जाते आप देख सकते हो यहाँ पे तीन तरह की स्माइलीज बनी है एंड इट हैज सच अ क्यूट फ्लेयर्ड इफेक्ट. इट इज नॉट टू फ्लेयर्ड लाइक वेल बॉटम्स, दैट जस्ट मेक्स मी लुक अ लिटिल शॉर्टर या वाइडर. बट अगर एक प्रॉपर फ्लेयर होना स्ट्रेट कट के साथ हल्का सा बाहर जाता हुआ जस्ट लाइक दिस, अगर आपकी
शॉर्ट हाइट है मेरी तरह, आई एम 5'2", तो ऐसे वाला सिलुएट जीन्स का बहुत ज्यादा सूट करता है एंड दिस इज द परफेक्ट लेंथ, मुझे इसको बिल्कुल छोटा नहीं कराना पड़ेगा। 800 rupees इज एक्सपेंसिव फॉर सरोजनी नगर एंड यू रियली डोंट हैव टू बाय इट, बट इट इज एन ऑप्शन इन केस यू आर कंसिडरिंग कि कोई अच्छी क्वालिटी की जीन्स लेनी है मुझे जिसमें बहुत अच्छी अच्छी वरायटी मिले, तो आप जरूर ऐसी शॉप्स में भी जा सकते हो जहां पे बार्गेन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, दीज आर फिक्स प्राइस शॉप्स, बट 800 rupees में यू कैन गेट सम रियली रियली कूल एंड यूनिक जीन्स। ओके, ये थी मेरी विंटर शॉपिंग, लेट्स मूव ऑन टू अ लिटिल बिट ऑफ समर क्लोथिंग दैट आई गॉट फॉर माई गोवा ट्रिप। ये ट्रिप व्लॉग नहीं होगी, प्लीज डोंट कीप आस्किंग मी के व्लॉग कब आएगा व्लॉग कब आएगा, क्योंकि वो पढ़ के मैसेजेस में मेरे को गिल्टी फील होता है कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया, बट आई रियली नीड अ वेकेशन जिसपे मैं काम ना कर रही हूँ, आई जस्ट रियली नीड टू लाई डाउन एंड रिलैक्स ऑन अ बीच। फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अ कोऑर्ड सेट, ये मैंने ग्रेफिटी लेन के ऑपोजिट एक शॉप थी जहाँ पे वो चमकीले टॉप्स भी थे एंड कोऑर्ड सेट्स भी थे, वहां से ली। भैया 350 बोल रहे थे, आफ्टर बार्गेनिंग हम ये 250 में पूरा कोऑर्ड सेट लाए हैं। इसमें ब्लू ब्लैक लैवेंडर का कॉम्बिनेशन है ऑफ व्हाइट या क्रीमिश बेस पे, सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल वेरी क्यूट सी, थोड़ा लो की लिनन वाइब आ रही है, जो लिनन फैब्रिक नहीं होता अप्रोप्रिएट फॉर समर वैसे टाइप की वाइब है इसमें। एज यू गाइस कैन सी, बड़ा ही प्यारा पतला सा फैब्रिक है, इसमें बहुत प्यारा ऐसे फ्लोरल पर्पल लैवेंडर प्रिंट बना हुआ है, इट एक्चुअली मैचेस द वॉलपेपर इन माय रूम, एंड इसके साथ ये बरमूडा टाइप का ऐसे शॉर्ट मिला है विच इज नॉट टू शॉर्ट, कभी कभी शॉर्ट्स बिल्कुल बूटी शॉर्ट्स होते हैं एंड वो मेरी 100 थाइज पे बिल्कुल ज्यादा अच्छे नहीं लगते, सो इफ यू आर समवन लाइक मी जो बहुत ज्यादा बूटी शॉर्ट्स में अनकंफर्टेबल फील करती है, नीड थोड़ी लेंथ नीचे तक हो, दिस इज परफेक्ट फॉर यू, आई फील लाइक दिस विल बी सो ग्रेट पेयर्ड विद इट, एंड ये मैं पक्का गोवा में पहनने वाली हूं, आई एम जस्ट गोना चिल ऑन अ बीच एंड लव 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 वेयरिंग दिस। या दिस कॉर्ड सेट वाज फॉर 250 rupees एंड देन आई फाउंड अ वेरी वेरी अमेजिंग शॉप जहां पे स्विम सूट्स मिल रहे थे, नाउ आई रियली डोंट नो इफ दीज आर वर्न आउट या सेकंड हैंड या वट एवर, लाइक मैंने भैया से पूछा भी नहीं एंड आई रियली डोंट वॉन्ट टू नो, समटाइम्स यू हैव टू बी डिलुलू, बट दे वर ओनली फॉर 200 rupees एंड ऑल्सो वहां पे बहुत प्यारी प्यारी बिकनी टाइप की ब्राज मिल रही थी फॉर 50 rupees ओनली। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू गाइस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेसी सॉर्ट ऑफ ब्रा, इसमें एक्चुअली लेस नहीं है, कटवर्क टाइप के ऐसे डॉटेड इफेक्ट दिए हुए हैं, बट जहां पे आपके प्रॉपर ऐसे निपुलर एरिया होता है ना वहां पे अच्छा सा मोटा क्लॉथ पीछे ब्लैक कलर का लगाया हुआ है, एंड आई लव वेयरिंग ऐसे टाइप की ब्रालेट्स इन गोवा जिसके ऊपर मैं सिर्फ शर्ट ऐसे बटन थोड़े से शुरू के 2-3 खोल के ना एंड विद अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहन सकूं एंड आई जस्ट फील सो कूल लाइक अ कूल गोवन चिकन इट, सो इसलिए मैंने उस फैंटेसी के लिए ले लिया, एंड पीछे भी ना इसकी क्वालिटी जो प्रॉपर ऐसे स्ट्रैप्स की है वो बहुत अच्छी है, सो यू गाइस कैन सी इसमें प्रॉपर ऐसे गोल्ड हार्डवेयर वाला स्ट्रैप दिया हुआ है। सो या दिस ब्रा इज ओनली फॉर 50 rupees एंड दिस लुक्स लाइक सच एन एक्सपेंसिव एंड वेरी बूजी ब्रालेट, एंड बहुत प्यारी प्यारी इसमें ना जब स्किन ऐसे थोड़ा सी थ्रू ऐसे पीकाबू देती है तो ये बहुत ज्यादा सेक्सी वाइब लगती है, एंड दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट ब्रालेट दैट आई वॉन्ट टू वेयर इन गोवा। वेरी क्विकली देन आई गॉट टू स्विम सूट्स, मैं एक ही लेना चाहती थी बिकॉज जहां पे मैं रुकने वाली हूँ ना गोवा में वहां पे स्विमिंग पूल होना है, कॉमन स्विमिंग पूल, आई एम स्टेइंग इन एन Airbnb, तो वहां मैंने सोचा कि पूल का थोड़ा यूज किया जाए एंड दैट इज व्हाई आई गॉट दिस वेरी प्रिटी ब्लैक स्विम सूट। सो इसका गला काफी सिंपल सा है बट द ड्रामा इज एट द बैक, यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसे हल्का सा तो नहीं बहुत बड़ा की होल टाइप का ऐसे कट सा दिया गया है जिससे आपकी पूरी पीठ ऐसे दिखेगी। ऑल्सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट इसके अंदर पैडिंग वगैरह दी हुई है, सो इसमें मेरे को अंदर ज्यादा कुछ पैचेस वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो हैज दीज लाइन सोन इन बिटवीन ऐसे टाइप के जिससे मेरी कमर में थोड़ा स्टिचिंग सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आता है एंड आई फील मोर कर्वेशियस। वॉन्टेड समथिंग इन प्रिंट, आइडियली मुझे कुछ लाइट कलर में चाहिए था बट देन मुझे वहां कुछ लाइट कलर में अच्छा नहीं लग रहा था, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्रालेट वाला स्विम सूट, ये पूरी अंदर से ना ब्रा ही दी हुई है, ब्रा के साथ ही ये पूरा स्विम सूट अटैच्ड है एंड दिस इज इन अगेन ऑफ वाइट गोल्ड एंड ब्लू, इसके अंदर आप प्रिंट देख सकते हो हल्का हल्का गोल्डन रिफ्लेक्ट भी दिखेगा आपको एंड दिस इज एडजस्टेबल विच इज ग्रेट, क्योंकि वो वाली मुझे यहीं से थोड़ी लूज हो रही थी ब्लैक वाली, बट इसमें ना ब्रा स्ट्रैप की तरह ऐसे एडजस्टेबल टाइप की चीजें दी हुई है जिसको मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर ऐसे रूशिंग सॉर्ट ऑफ कोई हल्की सी डिटेल है जिससे हल्का ऐसे ऐसे टाइप का इफेक्ट आता है कर्वी बॉडीज पे, ये बहुत ज्यादा सूट करेगा, यहाँ बहुत प्यारी डिटेल्स है एंड देन नीचे ये नॉर्मल जैसे अंडरवेयर टाइप की होती है ना स्विम सूट की वैसे ही है, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन मी। आई नीड टू शो यू गाइस लास्ट पीस ऑफ क्लोथिंग जो कि मैंने लिया वही इंक बाय अब्रोल सन्स के ऑपोजिट जो गुफा होती है वहां पे, सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल व्हाइट कलर का बीच कवर अप सॉर्ट ऑफ अ श्रग तो नहीं है, थोड़ा काफ्तान टाइप के इफेक्ट में ही है, बट क्योंकि मैं स्विम सूट्स पहनने वाली हूँ और ऐसे टाइप की ब्रालेट्स पहनने वाली हूँ आई नीड अ कवर अप जब तक मैं वाटर के अंदर कूद नहीं जाती हूँ, आई कांट रियली वॉक अराउंड विद दैट टाइप ऑफ स्विम सूट सबके सामने। आप देख सकते हो इसके नेक में बहुत सुंदर सुंदर ऐसे फ्रिंजेस हैं, यहाँ पे ऐसे डोरिया सी दी गई है, सच अ परफेक्ट बीची वाइब, जस्ट पेयर इट विद शेल वाले इयररिंग्स, दे विल लुक सो क्यूट, सो नीचे जाते जाते तक ये थोड़ा ऐसे ट्रायंगुलर हो जाता है एंड अगेन यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे झालर फलिया सी दी हुई है। वी आर फाइनली डन विद
विद ऑल ऑफ द क्लोथ्स दैट आई गॉट फॉर विंटर एज वेल एज समर. लास्ट में थोड़ी सी एक सेगमेंट बचा है, मिनी सेगमेंट फॉर एक्सेसरीज, जिसमें एक बैग है जो मैंने अपनी गोवा ट्रिप के लिए लिया है. सो ये भी आपने मेरे पार्ट वन में देखा होगा. दिस इज सच अ नाइस बैग. मैंने ऐसे टाइप के बैग्स एंड बैकपैक्स ना बहुत देखे हैं गोवा में मिलते हुए एंड पहाड़गंज में मिलते हुए, बट सरोजनी नगर में मुझे काफी अच्छा लगा. आई फील लाइक इसके अंदर मैं अपनी छोटी वाली वाटर बॉटल एंड थोड़ा बहुत सामान, इवन मेरे बीच का जो कवर अप है या बिकिनी वगैरह, ये सब इसमें डाल के जा सकती हूँ, गोवा में घूम सकती हूँ. एंड आई ऑलवेज लव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैकपैक. इसके अंदर बहुत सुंदर ऐसे एस्टेक एंड ट्राइबल टाइप के डिजाइन है एंड इसमें थोड़ा सा बकेट बैग सॉर्ट ऑफ इफेक्ट है जिसमें आप इसको ऐसे टाइट कर सकते हो. एंड देन इसके साथ ये जो कैप्सी है ना, थोड़ी इसमें ऐसे लूप है जिसको आप इस बटन के अंदर डाल सकते हो. सो ये बैग बिल्कुल अच्छे से ऐसे क्लोज हो जाएगा. इट ऑल्सो हैज दिस कंपार्टमेंट इन द फ्रंट राइट हियर, जिसके अंदर मस्त सा जिपर है तो आप इसके अंदर भी काफी सामान डाल सकते हो. एंड आई गॉट सम हेयर एक्सेसरीज, एंड बाय हेयर एक्सेसरीज आई मीन दिस वेरी प्रिटी क्लिप्स, जिसके अंदर बहुत सुंदर ऐसे मोतियों का काम है. जस्ट लुक एट दीज, दीज आर सो फ्रिकिंग प्रिटी. एंड मैंने ये पेयर में लिया है. सो ये अंदर से कुछ ऐसे टाइप के क्लिप्स हैं, इफ यू गाइस कैन सी. एंड इनको मैं ऐसे बालों में अपने लगा सकती हूँ एंड दे लुक सो नाइस. ओ माय गॉड, आज की लुक में मुझे ये लगाना चाहिए था. दिस लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. देन आई गॉट अनदर हेयर क्लिप. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी, मुझे ना वेकेशन के टाइम पे काफी अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करना पसंद है. इसमें जब मैं अपना हाफ अपडू का भी बनाना होगा ना, तो दिस क्लिप विल लुक समवॉट लाइक दिस एंड इट्स सो प्रिटी. बहुत प्यारा ऐसे वायर डिजाइन है फॉर द बटरफ्लाई एंड ये येलो कलर में है, बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग है. सो आपके बालों के अगेंस्ट बहुत प्यारा लगेगा. ओके, लास्टली आई हैव थ्री टाइप्स ऑफ बीच इयररिंग्स टू शो यू गाइस. सो दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स दैट आई हैव. ये शेल लगे हुए हैं इसमें ऐसे कोड़िया वगैरह एंड बीच में मोती लगा हुआ है. आई फील लाइक मेरे किसी भी आउटफिट के साथ, जो भी मैंने आपको अभी तक दिखाया उनके साथ ये इयररिंग्स बहुत अच्छी तरह जाने वाले हैं. एंड देन आई गॉट ऐसे में ही सिल्वर टाइप के एंड इसमें ना थोड़ा वायर टाइप का वर्क है. ये भी काफी सस्ते थे एंड इसमें नीचे घुंघरू से लगे हुए हैं. सो आई एम रियली हैप्पी आई गॉट दीज छोटू मोटू चीजें विच आर नॉट चांद बालीज और झुमकास. माई ऑब्सेशंस विद शंक्स आर कंटिन्यूइंग विद द लास्ट परचेज. ये हूप्स लग रहे हैं बट ये अगेन ऐसे नॉर्मल लूप टाइप का आपके कान में टांगने वाले इयररिंग्स है. बट लुक यू गाइस, इसमें ना वो नॉर्मल वाले ऐसे जो फेक शंख होते हैं ना वैसे नहीं है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे अलग ब्राउन टोन्स वाले शेल्स लगे हुए हैं, सी शेल्स. यानी इतने ज्यादा प्यारे हैं, बीच में हल्के हल्के सिल्वर घुंघरू है एंड दीज आर सो क्यूट. ऐसा लग रहा है किसी ने सच में एक DIY प्रोजेक्ट करके ये इयररिंग्स बनाए हैं. सो या दिस वॉज इट यू गाइज, दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट. आई सिंसियरली होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो आपको कौन सा आउटफिट, कौन सा वो वन पीस ऑफ क्लोथिंग है जो बहुत अच्छा लगा, जो आपको ललचा रहा है कि सरोजनी नगर मुझे अपनी तरह खींच रहा है, मुझे जाके वो ले लेना चाहिए. What is that one thing that is irresistible to you guys? I would love to know and reply to you guys in the comments down below. So subscribe if you're new here and agar meri shakal ko zyada pasand aa gayi ho and if you want to see my behind the scenes of the Goa trip because I'm not gonna vlog it, you must follow me on Instagram @thatquirkymiss. Till then, take care, happy shopping and I will see you guys next time. Bye bye.